पाँच स्टैंड में 70 लाख रुपया सालाना सरकार को दिया जाता है स्टैंड का पैसा। यहाँ एक चापाकल नहीं है, यात्री को बैठने के लिए जगह नहीं है और 70 लाख रुपया एक दिन के सरकार ले रही है। आप देखिए यहाँ यात्री लोगों में छाटा लगा के बैठाए हुए बच्चे लोग को, कोई है कुछ सुविधा बताइए आप यहाँ पर। आप देख रहे हैं शेरघाटी आजकल और मैं हूँ इमरान अली। तेज़ गर्मी है और हर तरफ लोग लू और गर्मी से परेशान हैं, लेकिन शेरघाटी बस स्टैंड में न ही कोई यात्री शेड है, न ही कहीं यात्रियों को बैठने की सुविधा है और न ही पेयजल का इंतज़ाम है। हम बात करते हैं कुछ लोगों से कि किस तरह की परेशानियां झेल रहे हैं वो लोग। इस तेज़ गर्मी में ये बस स्टैंड है, बहुत सारी सुविधाओं की कमी भी है, लेकिन गर्मी को लेकर क्या हाल है यहाँ पर थोड़ा जानते हैं लोगों से, बताइए। बहुत तेज़ गर्मी है यहाँ। हमारा बस स्टैंड में 70 लाख रुपया सालाना सरकार को दिया जाता है स्टैंड का पैसा। यहाँ एक चापाकल नहीं है, यात्री को बैठने के लिए जगह नहीं है और 70 लाख रुपया एक दिन के सरकार ले रही है। आप देखिए यहाँ यात्री लोग में छाटा लगा के बैठाए हुए बच्चे लोग को, कोई है कुछ सुविधा बताइए आप यहाँ पर। सरकार ने जो भी दुकान दौड़ा था तोड़ दिया, हर गाड़ी ने 75 रुपया देता ठेकेदारी। एक तो चापाकल नहीं है, पानी पिलाने के लिए यहाँ से 1 किलोमीटर जा पड़ता है। चापाकल बताइए कहूँ पर। आप देखिए आप इसको पूरा खाली फोटो आप न्यूज लेने से नहीं होगा, इसको पूरा ऊपर तक पहुँचाइए, डीएम तक पहुँचाइए। क्या कहेंगे, इतनी गर्मी है यहाँ पर, क्या सुविधा है यहाँ पर? नगर पंचायत खाली सालाना जो है 50 लाख रुपया ले लेता है और एक वो भी चापाकल पानी पिए लायक नहीं है। और दूसरी बात और है कि जो होटल वालन जो पैसेंजर को जो मदद करता है, पानी पिलाता है, सब कुछ करता है, वो भी चौड़ीकरण में हटा दिल गया है और नगर पंचायत इसका व्यवस्था नहीं कर रहा दुकानदार लोग के। नगर पंचायत जो है से व्यवस्था करे दुकानदार लोग के। हम लोग से पैसा भी ले गया था और दुकान एग्रीमेंट करके मिला है और दुकान तोड़ दिल गया और उसका मुआवजा भी जो है सो भी नगर पंचायत ले लिया है और हम लोग के एक पैसा मुआवजा नहीं मिला। और लोग हैं, हम जानना चाहते हैं क्या सुविधा है यहाँ पर? कोई सुविधा नहीं है जी। 70 लाख में 50 लाख में हर साल ठीका हो जाता है और कोई सुविधा नहीं है, समझ गए ने? तेज़ गर्मी है अभी जो बहुत तेज़ गर्मी है, ना यात्रियों के बैठने की कोई सुविधा है, ना शौचालय की कोई सुविधा है, समझ गए ने? कुछ नहीं है, एक चापाकल भी नहीं है कि कुछ लोग जाके पानी पिए। यात्रीगण उतरते हैं बेचारे थके मंदे दौड़ते रहते हैं, कभी होटल वाला पानी देता है, ठेले वाला पानी देता, कभी दुत्कार देता है, बेचारा क्या करेगा, कहेंगे क्या है सुविधा। बिनोद यादव आए विधायक हुए तो सोचा कि शायद बगल के विधायक है कुछ करेंगे। अब मंजू अग्रवाल भी जीती है तो कोई डाक के पास, मंजू अग्रवाल भी कोई काम नहीं कर रही हैं और हम लोग को उम्मीद थी कि मंजू अग्रवाल जीतेंगी तो जो है स्टैंड का काम होगा, लेकिन मंजू अग्रवाल भी वही डाक की पात है, कुछ नहीं उन्होंने भी काम किया है। इसलिए हम लोग मांग करते हैं सरकार से कि जो है सो कोई सुविधा शेरघाटी स्टैंड की बढ़ाई जाए। यहाँ पर सुविधा को लेकर लोगों की शिकायत है कि ना पेयजल की सुविधा है, ना यात्रियों को कहीं बैठने की सुविधा है और इस तेज़ गर्मी में आप देख रहे हैं आसमान से आग बरस रहा है, ज़मीन तप रही है और ऐसे में यात्री जो परेशानी झेल रहे हैं वो समझा जा सकता है।